सीधी जिला चिकित्सालय में डॉक्टर की लापरवाही के चलते एक प्रसूता महिला और उसके बच्चे की मौत हो गई। इसके बाद अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ तो पुलिस ने डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। जिला चिकित्सालय में डॉक्टरों की लापरवाही जारी है। मृतका कल्पना के परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर बबीता खरे ने उनसे 40,000 रुपए की मांग की थी। 40,000 रुपए नहीं दे पाए तो डॉक्टर ने लापरवाही पूर्वक कार्य किया जिससे प्रसूता की मौत हो गई। यदि डॉक्टर समय से व सही ढंग से इलाज करती तो दोनों चच्चा और बच्चा की अकाल मौत नहीं होती। प्रसूता की मौत होने के बाद हंगामे की स्थिति उत्पन्न हो गई। जिला चिकित्सालय में पुलिस भी पहुंच गई। हंगामा ज्यादा ना हो इसीलिए पुलिस ने डॉक्टर बबीता खरे के ऊपर मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। 4 महीना से यहाँ दवाई चलती रही तो घरे गए तो उल्टी होने तो फिर पुल के दूसरे काल रात भर रही नहीं तो पुल लेके आन उनके लिए हाँ तो कहा ना उसे दिखी हम कहा डॉक्टर साहब हुआ तो मैंने 26 तारीख को मांगे रही थे 40,000 रुपया 40,000 रुपया देव तब हम एक वह करब ऑपरेशन करब तत्काल जब ले आन तो कहीं के नहीं को होगा नॉर्मल हो जाएगी। SDM नीलांबर मिश्रा ने बताया कि पूरा मामला कलेक्टर के संज्ञान में है। शिकायत पर जो भी जांच में तथ्य आएंगे उन सभी तथ्यों पर कार्रवाई की जाएगी। SDM नीलांबर मिश्रा ने कहा कि कार्रवाई लगातार हो रही है। जो भी इस तरह के तथ्य आते हैं उपखंड अधिकारी व संबंधित अधिकारी जाकर जांच करते हैं। कार्रवाई लगातार होती रहती है। परिजनों ने एक आवेदन दिया है थाना प्रभारी के नाम और उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके द्वारा पैसे की मांग की गई थी और उनकी लापरवाही के कारण मृतिका की मौत हो गई है। तो उसकी कॉपी जो है वो मुझे भी प्रदान की गई है तो उससे संबंध में कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार जांच की जाएगी और जो तथ्य सामने आएंगे उसके अनुक्रम में रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।